हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि अजय की इजी रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल हलवा। मूंग दाल हलवा सबको बहुत पसंद है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पे मैंने एक कप मूंग दाल, यानी कि आप कटोरी या कप कोई भी ले लीजिए, बस उसी को मेजरमेंट्स के लिए रखिए। इसे मैंने पूरी रात सोक कर दिया था, भिगो दिया था, और सुबह इसका पूरा पानी निकाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। नॉनस्टिक पैन में आप देसी घी लीजिए, मैंने यहाँ पे आधा कप देसी घी लिया है। आप इसे एक नॉनस्टिक पैन ही प्रेफर कीजिए। अब इसके अंदर एक टेबलस्पून बेसन डालिए, और बेसन को हमें भूनना है इसमें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अपनी गैस की फ्लेम को आप लो ही रखें, एक मिनट से कम समय लगेगा इसे, ये इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें अपनी दाल का पेस्ट डालिए। मैंने दाल से सारा पानी निकाल लिया था, और ज़रूरत पड़ने पे एक दो चम्मच के आसपास पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बनाया है। अब इसमें डालिए, और मीडियम फ्लेम पे इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनिए। आप देखेंगे पहले ये दाल सारी घी को एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसके बाद ये अपने से घी छोड़ेगी। आप इसे इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। आपको इसे लगातार चलाते रहना है। पहले इस दाल ने सारा घी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब देखिए ये इस तरह से दिखेगा। आप इसे बीच में हिलाते रहिए, स्टिर करते रहिए। अब इसका एक क्रम्बल टेक्सचर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, और फिर ये खिल के बिखरने जैसा लग जाएगा, देखिए इस तरह से, और धीरे धीरे ये क्रिस्प होना शुरू कर जाएगा। आपने अपनी गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है, कभी कम कभी थोड़ा मीडियम। ये देखिए किस तरह से ये अच्छे से खिल गया है, एक एक दाना इसका जैसे खिल रहा है। अपनी गैस को आप लो मीडियम पे ही रखिए, मीडियम पे। अब हम इसके अंदर एक सिरप डालेंगे, उसके लिए हम एक कटोरी चीनी लेंगे, उसी में एक कटोरी हम दूध डालेंगे और आधा कटोरी पानी डालेंगे। हमें इसे सिर्फ चीनी घुलने तक ही उबालना है। देखिए हमारे दाल ने घी छोड़ना शुरू कर दिया, और ये काफ़ी क्रिस्प हो गया है। आपको इसके साइड्स में महसूस होने लग जाएगा, फील होने लग जाएगा कि घी छोड़ रहा है। देखिए थोड़ा क्रंची टेक्सचर का हो गया है इस तरह से। अब इसके अंदर हम आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए घी इसने अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम अपने मिल्क मिक्सचर को इसमें डालेंगे, थोड़ा करके डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें दूध को थोड़े बैचेस में ही डालना है, और साथ ही हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, काजू बादाम और किशमिश। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे अपना बचा हुआ दूध। दूध हमने तब तक ही उबाला है जब तक उसमें चीनी घुल ना गई, हमने उसकी कोई चाशनी नहीं बनाई है। साथ ही हम डाल देंगे कुछ बूंदे सैफ्रन की, केसर की, हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस फ्यू ड्रॉप्स, और इसको हम कवर करके लो फ्लेम में 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए कितना बढ़िया सा बन गया है, काफ़ी सॉफ्ट और कितना अच्छा टेक्सचर लिए हुए हैं। अब हम इसके अंदर एक टेबलस्पून घी डाल देंगे, इससे ये अच्छा सा एक ग्लेज आ जाएगा इस पे, और हमारा मूंग दाल हलवा तैयार है। आप इसको किसी बोल में निकाल लीजिए और गरम गरम सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।